अभी इसे कोबरा को बोल, क्या कहते हैं, थंडर को बोल गाड़ी में बैठ जाएंगे जल्दी, क्या गाड़ी में बैठो बे दोनों, हम पता क्या करना, गाड़ी को है ना डैमेज करना है, एक बारी तू मारेगा एक बारी मैं मारूंगा ऐसे, ठीक है, अब तेरा बारी है, आज जिसकी मैं गाड़ी फूट गई जो बच गया वो जिंदा, अभी तो यहीं से खड़ा रहे, एक मेरा, अभी तो आग लगा दू गाड़ी में, बंदे को ना मारे, बंदे को ना मारे, अब लग गया आग, अब बिठाए ना, अब बिठा, अब आओगे मजा गन यो पैन फाइट का, अब बिठाए ना दोनों, बैठो भी जल्दी बिठाए ने, Get in the car. अब यहाँ से आजा मेरे पास, आजा तू दिमाग इधर आजा मेरे पास, इसे अंदर बिठाना कोबरा, अंदर जाना, Get in the car. आजा इससे बैठ के करना पड़ेगा रिक्शे, चल भाई तेरा नंबर है, ओ भाई अबे गाड़ी के टायर घूम रहे क्या, आ गया, अबे डिमैक्स तू मार नहीं रहा, पीछे से मैंने बूस्टर बजा रखा, हाँ हाँ जीत गया भाई, ये स्मोक अरे मेन शिकार तेरा साउथ वेस्ट 230 पे है भाई, उसे मारो, अरे अरे मोरी मैया, अरे भैया मैया, मेरे को क्या पता, मैं तेरे साथ गप्पे मारने में खुद व्यस्त हो जाता हूँ, मुझे अपना कुछ होश नहीं आता, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी जो भी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में दिखाया तुम्हें, यार एक यूट्यूबर की लाइफ एंड गेमिंग चैनल बनाना इट्स नॉट ईजी यार, सब लोगों को लगता है कि ईजी होता है गेम प्ले डालना वीडियोस डालना, बहुत हार्ड होता है भाई, तो ये वीडियो शुरू होता है भाई, हम लोग उतरे थे जॉर्जिया पोल और हमने ऑलमोस्ट 3 किल कर लिए थे, पर मेरी रिकॉर्डिंग जो थी वो ऑन नहीं थी, यहाँ पे एक बंदा था, शायद 2 बंदे थे जिन्हें हम मारते हैं, अब ये 2 बंदे थे, इन्होंने फायर किया, इनकी मौत तय थी और इनको मार के हम अलग निकल पड़े एक और मंजिल की तरफ, तभी हमें एक और गाड़ी दिखती है, इन दोनों को जो मारा है ना भाई जिंदगी में याद रखेंगे, क्योंकि अगर तुम गाड़ी से पीक करते हो तो भाई ये हाल होता है, तो तुमने देखा कि मैंने गाड़ी से पीक करा और मेरा हेड बाहर था जैसे हमने पिछले बारी मारा था,
सेम एग्जैक्ट मेरे साथ वही यहाँ पे हुआ कि अगर आप गाड़ी में चल रहे हो और आपका हेड बाहर है, दो तीन बंदे एम लेके बैठे हुए हैं, तो आप इजीली नॉक हो जाते हो। तो जाते टाइम हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसको हम मार लेते हैं, तभी हम पहुँचते हैं इस घर के ऊपर। भाई इनको भी मार लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि एक बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, शायद बैग खोल के कुछ दे रहा था, ले रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो भाई जैसा मैं बताता हूँ कि भाई गेमिंग चैनल आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इस चैनल को बनाने में, तो आपका सपोर्ट बनता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो, गेम प्ले अच्छा लगता हो, तो भाई एक लाइक तो बनता है तुम्हारा। तो यहाँ पे इसको मार लेते हैं, तभी जाते टाइम मुझे ये बंदा दिखता है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई हम लोग गाड़ी लेके इस पे रश करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिट था और वो स्मोक कर रहा था पता नहीं क्यों, पर इसकी मौत तो आनी तय थी। तो भाई इजी शब्दों में कहें भाई इसको मार के लेवल 3 हेलमेट वेस्ट सब मिल जाता है और मशीन गन। भैया ये गाड़ी के पीछे पूरा टाइम निकल गया हमारा मारते मारते, पर लास्ट मोमेंट में देखना कि होगा क्या, ध्यान से देखना गाइस। वो ऑटोमेटिक खुद मर जाता है, मतलब उसकी हेल्थ इतनी लो थी, 1 HP पे था वो, और इजी जब वो कूदा तो वो इजली मर गया। तभी हम इस घर पे आते हैं और हमें पता चलता है कि एक बंदा यहाँ पे भी है, तो हम लोग इसको देखते हैं, पर यहाँ पे हमें कोई भी बंदा नहीं देखने को मिलता। तभी मैं इस छत के ऊपर चढ़ता हूँ और मुझे सडनली पीछे बंदा दिखता है, अभी देखना। तो तुम्हारे भाई का M416 का जो स्प्रे था 6x को 3x बना के कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना M416 किसकी किसकी फेवरेट है। निकल पड़ते हैं अपनी और ये शानदार सी कार की स्क्रीन के साथ किसी और मंजिल पे, तभी एक और बग्गी और जिनकी मौत भाई इन बिचारों को तो ऐसा मारा मतलब पूछो मत, बहुत गंदा मारा। तभी बोलते हैं ना बग्गी अवॉइड करनी चाहिए। फाइनली मेल्टा के इस घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो दुर्घटना होने वाली है एनिमी के साथ वो देखना भाई, ऐसे भी बंदे होते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। भाई पता नहीं है बंदा क्या करना जा रहा था, मुझे नहीं पता कि इसकी आईडी से कौन खेल रहा, जिस हिसाब से इसका बैग था सब कुछ था बहुत ही अच्छा था, पर फिर भी यार पता नहीं क्या कर रहा था ये। तो लास्ट मोमेंट पे जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, तो जो यहाँ पे हम पहुँचते हैं भाई बाल बाल बचते हैं उस बंदे से। तभी मैं डिसाइड करता हूँ कि हम इसे ऐसे नहीं मारेंगे, नेट से मारेंगे, तब देखोगे कितना ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। भाई ये बंदा और वो सेकंड वाला बंदा बिल्कुल मजाक था मेरे लिए और हमारे मेरे टीममेट के लिए, क्योंकि पता नहीं भाई ऐसे बंदे भी गेम लॉबी में कभी कभी आए थे जो बहुत ही खतरनाक लेवल के होते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको मार दूंगा, पर वो आई होप मरा नहीं। एंड आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक करना यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही गेम प्ले डालता रहूँगा। और अभी सीख रहा हूँ गेम प्ले एडिट करना,
वॉइस ओवर करना, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, जल्दी सब कुछ धीरे धीरे मैनेज कर लूँगा मैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो गेम प्ले, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट AR कौन सी है।